हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग इन लिंक्स पे काम करने वाले हैं। इन लिंक की वर्किंग तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है, और अगर आपको वर्किंग सीखनी है तो आप पिछला वीडियो देखिए। मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दैट मीन्स उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमारे ये सारे लिंक्स काम कर रही हैं। अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करूँ तो राइट साइड में जावा के सारे पोस्ट आ जाएंगे, और पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करूँ तो राइट साइड में सारे पाइथन के प्रोजेक्ट आ जाएंगे पोस्ट, और अगर वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँ तो राइट साइड में सारे वेब टेक्नोलॉजी के पोस्ट आने चाहिए थे, बट डेटाबेस में कोई पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे आ गया नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी। ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारे पोस्ट यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। हम लोग को इस वीडियो में करना क्या है कि ये जो एक्टिव है ना, देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल पोस्ट एक्टिव है तो सारे पोस्ट हैं। जब मैं जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करूँ तो जावा प्रोग्रामिंग को एक्टिव हो जाना चाहिए था और इधर सारे जावा के पोस्ट आ जाते हैं। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग को एक्टिव हो जाना चाहिए था और राइट साइड में सारे पाइथन के प्रोजेक्ट पाइथन के पोस्ट आ जाएंगे। तो इस एक्टिव पे हम लोग इस वीडियो में काम करेंगे, जिससे कि हमारा ये एक्टिव वाली चीज काम कर जाए जेक्वेरी से डायनेमिक। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने इस पेज में आ जाएंगे, प्रोफाइल पेज में, और इन लिंक्स की एक क्लास दे देंगे, इन लिंक्स की एक क्लास दे देंगे, ठीक है। CSS क्लास देखिए ऊपर आएंगे जहाँ पे लिंक्स को मैंने बनाया है। तो हमने लिंक्स को बनाया है यहाँ पे, ये है हमारी ऑल पोस्ट की बटन और ये है कैटेगरीज की बटन, कैटेगरीज की लिंक्स, ठीक है। दैट मीन्स ये रिपीट हो रही है, यही प्रिंट कर रही जावा पाइथन वेब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ऑल पोस्ट में भी एक क्लास लगा देंगे और क्लास होगी सी मीन्स कैटेगरी डैश लिंक, ठीक है, कैटेगरी डैश लिंक। और ऑल वाले में हमने सी लिंक लगा दिया। इसी तरह हम लोग अपनी सारी कैटेगरीज में भी यहाँ पे क्लास लगा देंगे सी लिंक, ठीक है। तो हम लिखेंगे सी डैश लिंक। आप भी कोई काम कर रहे हो डायनेमिकली तो ऐसे ही करिएगा। उसके बाद आएंगे और अपने, क्योंकि जब आप ये फंक्शन क्लिक कर रहे हो तो गेट पोस्ट कॉल हो रहा है, तो हम आ जाएंगे अपने गेट पोस्ट के पास, और गेट पोस्ट में यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे ओबी, ठीक है, ओबी या टेम्प आपकी मर्जी जो ले लीजिए। दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस ऑफ द लिंक यू हैव क्लिक्ड, ठीक है। टेम्प में हम लोग पास करेंगे रेफरेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेफरेंस कहाँ से पास करते हैं ऊपर से। तो जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे कॉल किया है कैटेगरी ये, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऊपर चलते हैं जहाँ पे लिंक्स हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर यहाँ पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, सबसे पहली चीज आपको पास करनी थी आईडी, वो आपने पास कर दी, और दूसरी चीज आपको पास करनी थी इस एलिमेंट का रेफरेंस। तो इस एलिमेंट का रेफरेंस मिलेगा आपको कॉमा लगा के दिस से, ठीक है। और इसी तरह ऑल पोस्ट में भी हम लोग आईडी के पास हम लोग यहाँ दिस पास कर सकते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा आपको दिस पोस्ट के टेम्प में मिल जाएगा उस लिंक का रेफरेंस जिस जो लिंक आपने क्लिक की है, उस लिंक का रेफरेंस जो लिंक आपने क्लिक की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग सारे सारे जितने भी लिंक्स हैं जिस पे क्लास है सी लिंक, उस पे एक्टिव क्लास हटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे, देखिए टारगेट करने के लिए अब जे क्वेरी की हेल्प से आप वो सारे एलिमेंट पकड़ लीजिए, वो सारे एलिमेंट ग्रैप कर लीजिए जिसकी क्लास सी लिंक है। तो हम लगाएंगे डॉट सी डैश लिंक लिंक, ठीक है। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे और फिर मैं यहां कहूंगा रिमूव क्लास, ठीक, रिमूव क्लास, और रिमूव क्लास इन द सेंस कि क्लास रिमूव करनी है। और जैसे ही हम एक्टिव रिमूव करेंगे तो सी लिंक से ब्लू कलर हट जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर आ रहा था जब आपने एक्टिव क्लास लगाई थी तभी, देखो। तो हम लोगों ने डायनेमिकली सारे लिंक से एक्टिव क्लास हटा दिया। मैं आपको दिखा देता हूं डायनेमिकली ये वाली क्लास हटा दी। तो बाय डिफॉल्ट ये वाली क्लास जो लगी थी, ये देखिए वो ऑल पोस्ट पे लगी थी एक्टिव, आप इस तरफ देख पाओगे यहाँ पे। तो हमने डायनेमिकली जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे ये एक्टिव क्लास हटा दिया है, दैट मीन्स ये एक्टिव हट जाएगा। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश कर देता हूँ, और उसके बाद ये देखिए ऑल पोस्ट पे सारी चीजें, ये देखिए लिंक हट गया। लिंक इसीलिए हटा क्योंकि ये फंक्शन कॉल कर रहे थे आप लोग, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो ये वाला फंक्शन कॉल किया तो ये वाला कोड चल गया। अब सारे से हट गया, अब हमें लगाना भी है, लगाना है तो लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, जब सक्सेस मैसेज आ जाएगा उस केस में लगाएंगे। तो हम लोग डॉलर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग ग्रैफ करेंगे जिस बटन को आपने क्लिक किया है उसको हम लोग पकड़ेंगे इस बार।
सेलेक्ट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट टेम्प में है, तो यहाँ पे हम लोग आईडी और क्लास ना पास करके हम टेम्प पास कर देंगे और हम लोग ऐड कर देंगे ऐड क्लास और एक्टिव ऐड कर देंगे। तो एक्टिव क्लास उसी वाले रेफरेंस उसी वाले एलिमेंट्स में ऐड होगी जो आपने क्लिक किया होगा। तो एक्चुअली जो जिस पे आपने पहले तो होगा क्या कि एक्टिव सबसे रिमूव हो जाएगी जिसकी जिसकी से लिंक है क्लास, उसके बाद आपने जिस पे क्लिक किया होगा उसी पे एक्टिव लग जाएगी। तो ब्लू कलर उसी का हो जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया होगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ दिखाता हूँ, तो इनिशियली देखिए पाइथन पे क्लिक करता हूँ, पाइथन वेब पे क्लिक करूंगा, वेब डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस पोस्ट पे क्लिक करूंगा, पोस्ट ऑल पोस्ट पाइथन परफेक्ट। तो अभी हम लोग का ये काम भी हो रहा है, हम लोग अपनी कैटेगरीज पे क्लिक कर पा रहे हैं और कैटेगरीज एक्टिव, वो कैटेगरी एक्टिव भी हो जा रही है, साथ ही साथ में हमारे पोस्ट भी लोड हो रहे हैं। बट बाय डिफॉल्ट इनिशियली क्या होगा, आपने क्लिक किसी पे नहीं किया तो वो सब पे हटा दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इस वाले का रेफरेंस, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। इस वाले का रेफरेंस हम निकालेंगे तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, देखिए लेट लेट हम कहेंगे ऑल पोस्ट रेफ, ऑल पोस्ट रेफ मतलब ऑल पोस्ट वाली बटन का रेफरेंस, और हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे पहले सारे एलिमेंट्स जिसकी क्लास सी लिंक है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डॉट सी लिंक। अब जो इसमें से जो पहला एलिमेंट है, सॉरी जीरोथ पोजिशन पे जो एलिमेंट है वही हमारा ऑल पोस्ट वाला है। तो हम लोग ऐसे ही, क्योंकि ये एरे होती है तो हम लोग ऐसे लगा देंगे, तो जीरोथ वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा और हम लोग जीरो के बाद ये ऑल पोस्ट रेफरेंस यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट। अब होगा क्या, इनिशियली जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लोड करोगे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो ले जाएगा पहले वाले बटन का रेफरेंस, और पहले वाले बटन का रेफरेंस टेम्प में आ जाएगा और इनिशियली टेम्प एक्टिव हो जाएगा। देखते हैं, हम रिफ्रेश कर देते हैं, परफेक्ट। जब बाय डिफॉल्ट आप लॉगिन करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको लॉग आउट करके, तो अगर बाय डिफॉल्ट आप लॉगिन करते हो इस केस में ऑल पोस्ट एक्टिव होगा। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जावा प्रोग्रामिंग देन यू कैन क्लिक ऑन जावा प्रोग्रामिंग, यू विल गेट ऑल द पोस्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग, तो जावा प्रोग्रामिंग विल गेट एक्टिव, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग एक्टिव हो जाएगा। वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे तो वेब टेक्नोलॉजी एक्टिव हो जाएगा, डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग एक्टिव हो जाएगा। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना रखते हैं। हम लोग का डायनेमिक लिंक्स एक्टिव भी हो गए हैं जेक्वेरी की हेल्प से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पोस्ट को थोड़ा सा अच्छा सा करेंगे कि भाई जिस यूजर ने पोस्ट किया उसका नाम भी दिखे, टाइम भी दिखे, और अगर कोड नहीं है, नो हो, निल हो, नथिंग हो, इन सब कीवर्ड्स पे हमें कोड नहीं दिखाना है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर स्टे ट्यून्ड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।